describing certain of the properties, I have talked about the packing factor. Because packing talks about also the level of interaction between the particle. जिन पार्टिकल के बीच का इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होगा उनका जो पैकिंग होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं पैकिंग जो होती है लेटिस या क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, सॉलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, वो पार्टिकल के बीच का जो इंटरेक्शन है उस पर भी आधारित है, और ऑल्सो इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ पार्टिकल। कई बार देखो जैसे यहाँ पे एक अरेंजमेंट दिख रहा है, ये एक ही तरह के पार्टिकल है, तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन कहीं पे जैसे सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें, तो सोडियम क्लोराइड में वन डायमेंशनल अगर हम पैकिंग की बात करें तो क्या होगा, एक सोडियम एक क्लोराइड, एक सोडियम एक क्लोराइड, ऐसे ही होगा ना ऑल्टरनेट, बिकॉज तभी अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को फेस करेंगे। तो आप देख सकते हो कि सोडियम छोटा होता है क्लोराइड बड़ा होता है, सोडियम छोटा होता है क्लोराइड बड़ा होगा, तो ऐसे भी अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो वहाँ पे पैकिंग क्या किस तरह से होगी वो के इंटरेक्शन पे डिपेंडेंट है। बेसिकली व्हेन आई से पैकिंग, पैकिंग इट डिपेंड्स अपॉन नंबर वन ऑन द टाइप, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द साइज ऑफ पार्टिकल्स एंड ऑल्सो टाइप, एक्चुअली टाइप विल डिटरमाइन द साइज ऑल्सो एंड टाइप विल डिटरमाइन, सो आई शुड से दैट साइज ऑफ पार्टिकल्स एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। ओके, इफ इट इज लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर लाइक मेटेलिक केस के अंदर होता है तो उनके बीच का इंटरेक्शन अलग टाइप का होगा, सोडियम क्लोराइड की बात करें तो उनके बीच का इंटरेक्शन अलग है और उनके जो पार्टिकल का साइज है वो भी अलग है। तो ये दोनों ही फैक्टर जो हैं वो पैकिंग डिसाइड करते हैं, ठीक है, किस तरह की पैकिंग होगी, बिकॉज अल्टीमेटली पैकिंग डिटरमाइंस मेनी प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल डेंसिटी, डेंसिटी इज वन सिंपल थिंग, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड बाय पैकिंग। सो मेनी टाइम मेनी प्रॉपर्टीज आर एक्चुअली डिटरमाइंड बाय ऑफ अ सॉलिड क्रिस्टल इज डिटरमाइंड बाय द पैकिंग स्ट्रक्चर्स। सो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स द फोकस ऑफ पॉइंट विल बी पैकिंग ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, वी विल बिल्ड अप दिस आइडिया वेरी स्लोली स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वेरी सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टिकल। नाउ इन दिस डिस्क्रिप्शन राइट नाउ वी आर टेकिंग ओनली द सिंपलेस्ट ऑफ द अरेंजमेंट, लेट्स से ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, देर इज नो सोडियम क्लोराइड काइंड ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ पार्टिकल। सो इफ यू जस्ट इमेजिन द वन डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल, दैट मीन्स ओनली इन वन लाइन, देन यू कैन ओनली थिंक इन दिस वे, राइट, दिस इज जस्ट लेट्स से सिंपलेस्ट अरेंजमेंट एंड देर इज नो अदर वे, करेक्ट, इन वन डायमेंशन दिस इज द ओनली वे। देन because we have to talk about the closest possible packing, packing means no gap, no unnecessary gap, okay, unnecessary, okay, fine. Then if you try to imagine the packing in two dimension, then there are possibilities. We are still going ahead with only one type of particle like this, all the balls here represented or the spheres, solid spheres that are represented are of the same size, let's say each one is representing one particular atom, okay. So there is one arrangement which is possible in two dimension where you put these layers one on the top of each other exactly, in they are aligned exactly with each other, all these particles are aligned, either you go in the horizontal direction or in the vertical direction, they get aligned exactly in the same way. This is one arrangement, this is also one good packing, it is found in many of the structures, right, but this may not be the best packing, this may not be the let's say the closest possible packing. This is closer packing, no doubt, okay, and many of the structures are found to have this kind of arrangement, but there is another kind of packing which seems to be having even better kind of packing. You can see here, let's say if you want to understand this in this way, here this layer, top layer, faces exactly the another layer, the particle they are sitting next to each other, okay, exactly in this way, next to matlab in the similar way as horizontal and vertical direction, okay, so this is the arrangement. Well, the another arrangement is possible if you consider the next layer to be occupying the position in between of the particle of above and below layer. For example, this particle here is occupying the position, it is not facing the top directly at the top or bottom of this particle, but it is occupying the position in between the two particles like this. This way it gives it a better packing, you see that,
कंपेयर टू दिस पैकिंग दिस वॉइड इज मिनिमाइज्ड हियर. यू कैन सी दैट दिस वॉइड द स्पेस बिटवीन द थ्री द पार्टिकल इज मिनिमाइज्ड हियर कंपेयर टू हियर. सो दिस इज अनदर पॉसिबल अरेंजमेंट. Just to distinguish between this packing and this packing, the layers have been simply numbered as A and B. In this case, all the arrangements are referred to as, let's say, A. The another arrangement, if it is also of A type, okay, means in space there is no displacement, then this arrangement is referred to as A type of arrangement. While if you try to look at this arrangement here, this arrangement is little different from this arrangement in space. Okay, it is called staggered arrangement. Staggered मतलब एक दूसरे को off face कर रहे हैं, मतलब diagonally type का arrangement है थोड़ा सा, और यहाँ पे direct facing है. तो ये जो arrangement है, हम इसको symbolically discriminate करने के लिए यहाँ से B जैसा कुछ ऐसा नहीं है कि ये particle arrange हैं अलग हैं या उनका total जो तरीका है arrange होने का वो अलग है, but space के अंदर इनकी जो arrangement है हमने उसको B कह दिया, और ये जो अरेंजमेंट है उनको ए कह दिया. तो आप जब पूरा क्रिस्टल देखेंगे तो कुछ अरेंजमेंट जो होंगी वो ए टाइप की दिखेंगी आपको, रिपीटेड अरेंजमेंट. कुछ अरेंजमेंट जो होंगी वो बी कैटेगरी में आप उसको रख सकते हो. ठीक है, तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम कहते हैं बी ए बी और समटाइम ए बी ए, डजंट मैटर एनी ऑफ द टू अरेंजमेंट. सो दिस इज द अनदर अरेंजमेंट. नाउ इफ यू लुक एट द अरेंजमेंट, दिस इज स्टिल द टू डायमेंशनल डिस्कशन हियर. If you look at here, in when you have A type of arrangement, the closest possible packing is actually a kind of square. If how do you know that packing? The framework, the frame if you try to visualize. ऐसा समझ लो ये टू डायमेंशनल यूनिट सेल है. जैसे हमने थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल डिस्कस किए हैं सारे के सारे, तो इसके अंदर जो टू डायमेंशनल अगर आप फ्रेम को डिज़ाइन करने की कोशिश करें यहाँ पे, तो आपको कुछ इस तरह की अरेंजमेंट दिखाई देती है. आप देखिए यहाँ पे इसे the unit cell we try to identify with the minimal number of particle in the unit cell. Okay, number one. So here you can still represent the unit cell just by considering this unit cell which is a square. Okay, you don't have to, because another thing is that you have the same layer, same type of layer, so you don't have to even consider the three layer. Okay, the three layer consideration may be required when you have two different type of layer, like in this case if you are considering only B and A, then whatever unit cell you define, you cannot repeat का मतलब होता है कि वैसा का वैसा ये दूसरी जगह पे दिखाई नहीं देगा. ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिनिमल तीन लेयर कंसीडर करने पड़ेंगी, है ना. ये चीज़ मैंने आपको सोडियम क्लोराइड का जब क्रिस्टल बता रहा था तो मैंने बताया था आपको कि जो है यूनिट सेल जब भी आप डिफाइन करते हो, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल सेल आपको याद होगा मैंने कल डिस्कशन करा था, जस्ट टू रिकॉल. I was trying to tell you, someone may think that you can just isolate this one cube and you may call that as a sodium chloride unit cell. No, I said no. Why? Because you can't repeat that in space exactly in the same direction and then get the crystal. Because agar aap isko repeat karne ka matlab hai, aisa samajh lo dhakka laga ke usko wahan pahunchana hai. तो रिपीट उसको बोलते हैं. इसको अगर धक्का यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे ऐसा पहुँचेगा. तो धक्का लगाओगे अगर इसको यहाँ पे, तो ये रेड है वो रेड नहीं रहना चाहिए, फिर वो ब्लू बन जाना चाहिए ना. तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा आपका, है कि नहीं. तो ये एक अगर सारे समान होते तो कोई दिक्कत नहीं था, तब तो आप धक्का लगाओगे तो वही चीज़ शेयर होगी. तो यहाँ पे शेयरिंग की बात है ना, दो दो अलग यूनिट सेल के अंदर. तो इसलिए सोडियम किसी भी क्रिस्टल के अंदर आप देखोगे कि उसके जो कॉर्नर पे जो पॉइंट्स होते हैं या इवन फेस पे, वो समान टाइप के होंगे. तो तभी आपका वो जो है रिपीटेशन जो है यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करेगा. इसी बात को अगर मैं यहाँ पे एम्फेसाइज करता हूँ तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि क्यूब के अंदर देखो कोई दिक्कत नहीं है. आप वही के वही पॉइंट जो है ऐसे के ऐसे ही थ्री डायमेंशन में या टू डायमेंशन में रिपीट करोगे ऐसा का ऐसा, बिकॉज ये दोनों लेयर ए टाइप के ही हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी ए लेयर ही आ रहा है, तो आप जो नेक्स्ट है वो भी ए टाइप का. तो इस क्यूब यहाँ पे आप इस तरह से स्क्वायर को इमेजिन कर सकते हो. बट इसके अंदर अगर आपने केवल ये दो लेयर कंसीडर किए हैं और आप कहोगे क्या ऐसा यूनिट सेल नहीं हो सकता क्या, ऐसा करोगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला जो हिस्सा है वो ए टाइप का है और आप यहाँ पे जो नेक्स्ट लेयर है वो बी टाइप का है.
तो वही बात आ जाती है सोडियम क्लोराइड टाइप की, है ना। इसलिए आपको यहाँ पे एक दो तीन, कम से कम तीन लेयर कंसीडर करना पड़ेगा, और फिर जो अरेंजमेंट है उसके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आइसोलेट करना पड़ेगा कि जिसका रिपीटेशन पूरा क्रिस्टल को बताता हूँ। तो यहाँ पे हमें ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट मिलता है। एक्चुअली में स्पीकिंग इसकी अगर प्राइमरी अरेंजमेंट को आप देखें, जो मैंने हेक्सागोनल क्रिस्टल की बताने के समय बताई थी, वो एक्चुअली में तो कुछ ऐसी ही है जो ये इस तरह की, बट हमने केयरफुली खाली इसी को यूनिट सेल नहीं बताया, हमने तीन इस तरह के लिए हुए हैं, ठीक है। और उनकी अरेंजमेंट को अगर मैं इसी के अंदर ड्रॉ कर दूं इस तरह से कुछ, तो एक एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा आपका ये है, और एक हिस्सा आपका ये है। तो तीन इस तरह के मिलकर के एक यूनिट सेल बनता है, ठीक है। ये बात को हम बताना चाहते हैं इसके अंदर, जबकि इसमें ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस जब भी टू डायमेंशन के अंदर पैकिंग होती है तो आपको दो तरह के अरेंजमेंट दिखाई देते हैं, एक है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेट्स लुक एट द क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट आई हैव डिस्कस ऑलरेडी इन लास्ट क्लास। सो नाउ क्लोज पैकिंग फ्रॉम दिस अरेंजमेंट, ओके, द क्लोज पैकिंग फ्रॉम दिस अरेंजमेंट, फ्रॉम टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग टू थ्री डायमेंशनल पैकिंग। सो ऑल यू नीड टू डू इज पुट द सेम वे द लेयर साइड वाइज एंड यू गेट दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। दिस डेफिनेटली गिव्स यू परफेक्ट क्यूबिकल यूनिट सेल, ओके, अ क्यूबिकल यूनिट सेल, ओके। सो द स्टोरी हियर इज नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड, इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंट्यूटिव बिकॉज ऑल द अरेंजमेंट्स आर वेरी सिमेट्रिक हियर, यू कैन सी दैट, ओके। दिस इज अ क्यूबिकल अरेंजमेंट इन थ्री डायमेंशन, बट लेट्स लुक एट द स्टोरी ऑफ दिस टू डायमेंशनल अरेंजमेंट लीडिंग टू थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट। दिस इज लिटिल बिट ट्रिकी, ओके। वाई आई एम सेइंग ट्रिकी ऑलरेडी, सिंपली बिकॉज इट विल रिक्वायर सर्टन विजुअलाइजेशन, ओके। सो प्लीज कीप योर माइंड, वी हैव ऑलरेडी डन विद द डिस्कशन ऑफ दिस। नाउ दिस विल नॉट अकर विद अस, द थ्री डायमेंशनल पैकिंग और लेट्स सी द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल विच इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द स्क्वायर क्लोज पैकिंग इज सिंपलेस्ट वन विच इज हियर, ओके। लाइक a cube, perfect cube with four particles at the corner of the cube, this will be resultant of square closed packing. But hexagonal closed packing in two dimensional may lead to multiple arrangements, okay, and that is what we have to focus now. And here you have to be little bit careful about visualization. So in three dimensional closed packing from two dimensional hexagonal, this one, what you may do is, see, what you have to do is, this is one layer, let's say. Now you consider this whole thing as one layer. And then, just like in this case, we have considered the arrangement of layer on the top of this only, okay? Built up the layer on third axis, which is above and below this plane. In the similar manner, above and below this plane, if you try to build the structure, you follow what I mean? Above and below this plane means, from this page, the plane of this page, you come forward and backward. That's the direction I'm talking about. And then try to build the arrangement of layers. Okay. So here it was simple. But here, the only way you should arrange the particle is in such a way so that the next layer is also placed with the atoms in the depression of these. Okay. Because here you want to not create this kind of arrangement where the arrangement is AAA here also. Please see. This arrangement is AAAA kind of arrangement. Either you go in this direction or you go in this direction, AAA. So the particles are touching each other directly head on. But here, the particles are arranged in the depression created by the two adjacent particles. So in the similar manner, when you place the second layer on the top of this, your arrangement should fill only these void in such a way. So the next layer will be same as this. I'm not trying to say we are filling a different kind of layer. The same layer, if you try to put, you put in a way so that the bottom layer's depressions are filled by the top layer's atom. Or you can say otherwise, the top layer's depressions are filled by bottom layer's atom. Do you see that? Is it clear to all of you? Please try to. I would like to ask here at every step because I want to ensure that you are able to visualize properly. There is a down layer, okay, the layer which is showing the hexagonal close packing, ठीक है। Hexagonal close packing क्यों है? क्योंकि हमने अभी देखा ये two dimensional arrangement में इसमें hexagonal close packing मिलता है, ठीक है।
और ये वॉइड जो है, वॉइड जो आप देख रहे हो छोटा वाला वॉइड है, इसी तरह का वॉइड यहाँ पे जो दिख रहा था उसी तरह का वॉइड यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो टू डायमेंशनल शीट है जो लोअर है उसके ऊपर हमने दूसरी शीट को इस तरह से रखा, वो भी सेम है बट इन सच ए वे सो दैट वी प्लेस द एटम्स ऑफ द टॉप लेयर इन द डिप्रेशंस, मतलब जहाँ पे हॉलो रीजन होता है क्रिएटेड बाय द एटम्स इन द बॉटम लेयर, और यू कैन से दैट अदरवाइज द टॉप लेयर्स डिप्रेशंस आर फिल्ड बाय द एटम ऑफ द बॉटम लेयर्स एटम, एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना, इतना तो क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरह की जब टू थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, अब ये थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट हो गया, ये टू डायमेंशनल था, अब इसको हमने थर्ड एक्सिस पे एक्सटेंड किया है। ठीक है, द एक्सिस विच इज कमिंग आउट ऑफ दिस पेज। ओके, सो हियर यू गेट टू टाइप ऑफ अरेंजमेंट और टू टाइप ऑफ बेसिकली अरेंजमेंट इवन थ्रू दिस अरेंजमेंट। वन अरेंजमेंट इज वेरी सिंपल, इफ यू कैन लुक एट हियर दिस ब्लू पार्टिकल द सेकेंड एंड देन थर्ड वन। ओके, सो वन टू एंड थ्री एंड इट्स डिप्रेशन इज फिल्ड बाय द पार्टिकल अबाव इन द रेड कलर। ओके, नाउ इफ यू आइसोलेट दीज फोर पार्टिकल दिस इज वन काइंड ऑफ अरेंजमेंट दैट इज ऑप्टेन, वन काइंड ऑफ होल विच इज ऑप्टेन इन बिटवीन दीज फोर पार्टिकल। Now this the hole I am talking about is like a tetrahedral hole. Why we call it as tetrahedral hole? Because there is another arrangement which is also possible in the same three-dimensional arrangement. Let's look at this one. Again, you consider now blue particle 1, 2 and 3 in this here where my pen is being shown 1, 2 and 3. Okay. And on the top of this, if you carefully visualize the other atoms of this red layer, they are placed in such a way so that there is another kind of hole that is visualizable. Okay, and this hole is called as octahedral hole. Why? We will see that. But there are two type of arrangement of particle that seems to be arising because of, you know, placing one hexagonal sheet on the top of another hexagonal sheet and still making sure that the depressions are filled. Okay, one is this. Is it clear, guys? Is it clear? Are you able to visualize? Let's consider first one, this one. Here, I'm trying to show that there is a hole or the gap, a kind of void actually, three-dimensional void, which is packed in between. This is one red and then three bottom below. This is one arrangement, okay? And I will name as tetrahedral for the reason I will show you later. And then there is another kind of arrangement that is also obtainable. If you consider, let's say, blue again bottom 1, 2 and 3 and on the top of this, the only way the sheet is arranging from the same sheet the particles are arranging so that there is a little bigger void that seems to be appearing, and that seems to be packed in between the bottom layer and the top layer, correct? Like this here. Okay, so blue are forming the bottom layer and then the red are forming the top layer, and there is a hole in between the two layer. So that hole is called as octahedral. Let's look at what is tetrahedral hole. The tetrahedral hole, simply because it is being formed by here four particle leading to a tetrahedral arrangement. Tetrahedral ka matlab kya hota hai? Four faces, right? So if you try to connect all the particle together in a triangular manner, this is like a triangular prism. If you remember the molecular arrangement from your 11th class, one of the arrangement used to be tetrahedral. Tetrahedral means now you have four faces. One face which is created because of joining this red with this blue and this blue. Then this red being joined to this blue and this blue, another face. And this red being joined to this blue and this blue, third face. And then fourth face, all the blues connecting with each other like this. So, okay, this red seems to be here at the center. You can think that this has been rotated. If you rotate this and then you get this arrangement. But ultimately, I hope this is clear what I am trying to say. There is a arrangement of particle which is causing a certain four phase geometry, a tetrahedral geometry. Okay, and then hole, a void in between. Although these particles have been separated in space, but actually speaking, the void, there is a void, tiny void in between. Okay, that void is being talked of. So there is one kind of void that seems to be arising out of this arrangement, which is tetrahedral void. And there is an octahedral void which is shown here, simply because if you try to consider this arrangement, okay, now you think that this lower panel of blue spheres is shown here and the top panel of red sphere is shown here. Okay, so now you have a clarity.
सो ट्राई टू इमेजिन दैट हियर ऑल्सो इफ यू ट्राई टू कनेक्ट ईच ऑफ दिस रेड विद द टू ऑफ द बॉटम और लेट्स से ईच ऑफ दिस ब्लू विद द टू ऑफ द रेड ओके हाउ मेनी फेसेस डू यू गेट हियर यू गेट एट फेसेस एक्चुअली बिकॉज यू कनेक्ट ट्राई टू कनेक्ट दिस रेड विद दिस टू ब्लू देर इज वन फेस देन दिस एंड दिस ब्लू अनदर फेस एंड देन लाइक वाइज यू आर गोइंग टू हैव सिक्स फेसेस इन दिस साइड वाइज वन टू थ्री फोर फाइव एंड देन सिक्स सो सिक्स फेसेस साइड वाइज एंड देन वन फेस एट द टॉप एंड अनदर फेस एट द बॉटम दिस इज ऑक्टाहेड्रल बिकॉज देर आर एट फेसेस नाउ डू यू रिमेंबर ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ योर लेट से SF6 पार्टिकल इफ यू रिमेंबर SF6 पार्टिकल यूज टू हैव ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट सो यू यूज टू पुट लाइक एफ दिस लाइक अ बॉन्डिंग हियर ओके And then on the top of this and bottom of this, if you imagine the F. So if you, this is like a bonding, this is a bonding pattern. But if you try to visualize in, the framework, the frame around this molecule, then just dotted line is just to show the frame. This is like one central plane. And on the top of this plane is, this connectivity does not exist. The bond exists like this. But this is like one frame, which is like representing a plane of this molecule, central plane. And above this plane is like one arrangement, one bond with fluorine. And then bottom of this plane, down this plane is another one. And if you try to connect all these things and try to see how many faces are there. So I'm trying to connect. This is one face. You see that? One face. Then you have another face. Then you have another face. You have another face, okay, four faces up and similarly four faces down from all the other four. So this is like an octahedral. It is the same thing this one. You try to think that this fluorine is put here, this fluorine is put here and this plane, central plane is represented by this diagonal plane. Can you see that? So this is the same. Red and blue color are only shown to discriminate between the layers, but actually speaking all the particles are same, okay. I'm not trying to say that there are two different type of particle. Don't be confused. I'm sorry, I didn't tell you that. But the same particle, it's just the color is made to discriminate between the top layer and bottom layer. And there is a A and B only to name the layer. That's all, nothing more than that. Okay? So here also red and blue particle are same. All the particle are same. So it is like this arrangement only. So if you imagine sulfur being placed at the center of this arrangement, this octahedron, then you have eight faces created by this. Okay, so that's why the hole that is created or let's say packed in between these two type of arrangement, okay, suppose if you try to connect this one and then there is another triangular arrangement which seems to be happening, okay, this is like a triangular arrangement by the connectivity of these particle here, okay, and you can see that the two arrangements are different. This arrangement is different from this because the direction of apex here and the direction of apex here of this triangle are opposite to each other, right? So definitely this arrangement is not like same as this one, not like sitting the same pattern above the another. This arrangement is different than this. So this is like A type of arrangement and this is like B type of arrangement, okay? You have to be able to relate with this. That's what I'm trying to say. This is like a B type of arrangement and this is like a A type of arrangement, or A layer and then B layer on the top of this, and this leads to octahedron. So far I have only made you visualize that there are two type of possibilities for the arrangement of particle or the space filling even just by placing one layer, one hexagonal plaque, close packed layer on the top of another hexagonal closely packed layer, the two dimensional shape, the two type of voids that are visible here. Is it clear to you? So from now onwards, whenever we visualize the hexagonal close packing layer, you have to be able to visualize two type of arrangement. One is tetrahedron arrangement of particle. You can actually very easily isolate in this. And another is octahedron type of arrangement in between the same two layer. What do we do with this? Whatever it is happening here. So our point here is how do we define the unit cell? Because hamara ultimate aim hai unit cell find karna. Two-dimensional unit cell is not a unit cell, okay, because there is no two-dimensional crystal. We have to find out the unit cell in three dimension. Is it really only hexagonal like this in two dimension what we are seeing?
or it is something else. Because in this case, from square closed packing, we only get one unit cell, which is perfect cube, where you have the corner of this unit cell filled with one particle each, right? So total 8 particle at the corner of this cube, which is simplest arrangement, ठीक है ना? But इसके केस में 3 dimension के अंदर arrangement जब कर रहे हैं, तो हमारा unit cell कैसा दिखेगा? हम वही find out करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो ये तो सिर्फ हमने क्या किया है? एक तरह से background create किया है. अभी हमने unit cell की बात ही नहीं की है. तो अब हम unit cell को देखते हैं इसके अंदर. Further, इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि unit cell कैसा दिखाई देगा. ये information को मैं बाद में आऊँगा. अभी इसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिए. इसको हम बाद में discuss करेंगे, ठीक है? अच्छा, तीसरा लेयर जब आप इसके ऊपर रखोगे तो क्या होगा? दो तरह के इवेंट सामने आएंगे. एक होगा कि भाई ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसके आसपास क्या हो रहा है, और एक है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उसके आसपास क्या हो रहा है. ये दो तरह के हमारे ऑब्जर्वेशन जो हैं थोड़े से डिफरेंट होने वाले हैं, मतलब फाइंड करेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि हम इसके अंदर दो तरह के अलग अलग टाइप के यूनिट सेल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? ये पॉइंट मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ. तो वही चीज़ को हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है? तो आप पहले ऐसे विजुलाइज कीजिए, दिस इज द इन द सेकेंड स्टेप व्हेन वी हैव टू प्लेस द थर्ड लेयर ऑन द टॉप ऑफ दिस वन सेकेंड लेयर. नाउ लेट्स से, लेट मी फर्स्ट क्लैरिफाई व्हाट इज देयर इन द डायग्राम हियर. दिस द वन लेयर विच इज द बॉटम मोस्ट लेयर इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस एंटायर शीट, ओके? द वन द ग्रे सर्कल्स ऑन द वाइट शीट, ओके? दिस इज लेयर ए. This is represented by layer A. Forget about this red line right now. Just focus on this layer A. Okay. Then there is another layer which was second layer represented by B. Okay. The second layer which I have shown here in red is B. And now our job is to place the third layer on the top of even the second layer. And when we end up doing that, now we have to see what is happening with the tetrahedral void. And what is happening with the octahedral void. So that's the observation we have to make. Okay. So now I'm just saying that covering the tetrahedral void, and let's focus only on covering the tetrahedral void. So first of all, you have to visualize, how do you imagine the tetrahedral void between A and B? How do you imagine the tetrahedral void between A and B? Okay. So tetrahedral void ko aapko isolate karna hai. जैसे मान लो रेड रेड वाली जो स्फीयर हैं, तीन स्फीयर अगर इसको ले लो यहाँ पे, ये वाले सपोज 1, 2 एंड 3, और इसके नीचे जो ब्लू लेयर है उसका ब्लू स्फीयर जो फिलअप कर रहा है, तो ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया ना एक तरह से, है ना? कुछ इस तरह की अरेंजमेंट यहाँ पे विजुलाइज की है. मतलब जो बॉटम ये इसको रेड रेड वाले को आप इमेजिन मत कीजिए. अच्छा, एक चीज़ और है, मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ कि यहाँ पे जो लेयर बताए गए हैं टॉप और थर्ड लेयर, वो ओनली लिमिटेड पार्टिकल से बताए गए हैं, ताकि आपको विजुलाइज करने में आसानी हो, ताकि हम थ्री डायमेंशन में विजुलाइज कर सकें. इसलिए बाकी के पार्टिकल जिनकी ज़रूरत नहीं उनको हटा दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट खाली लोअर लेवल है ए, वही लेयर जो है कम्प्लीट दिखाया गया है. टॉप का लेयर बी जो है ओनली जितने पार्टिकल की रिक्वायरमेंट हो उसको लेकर के दिखाया गया है, और थर्ड लेयर जो है वो भी एक मिनिमाइज करके जो पार्टिकल है उसको दिखाया गया है. तो इतना क्लैरिफिकेशन मैं आपको कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ए लेयर है फर्स्ट लेयर, बी लेयर सेकेंड लेयर. तो बी लेयर के नीचे एक पार्टिकल है जो कुछ इस तरह का है बी, जो टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट कर रहा है. तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है बी, ये जो बी का ट्राइंगल बना है इसके नीचे ए का वाइट है, आप इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि ये जो हेक्सागोन अगर आपने आइसोलेट किया है यहाँ पे, तो ये जो 6 पार्टिकल है उनके बीच में एक नीचे वाइट पार्टिकल है वाइट कलर का, ठीक है? और वो वाइट पार्टिकल और ये जो मतलब ए का वो वाइट पार्टिकल और बी के ये जो तीन स्फीयर हैं, इससे आपको टेट्राहेड्रल वॉइड मिल रहा है, ठीक है ना? ये वाली अरेंजमेंट कुछ इस तरह की. अच्छा, अब हम उसको थर्ड लेयर जो है उसके ऊपर इस तरह से अरेंजमेंट हम विजुलाइज कर रहे हैं कि वो जो टेट्राहेड्रल वॉइड था वो उसके ऊपर एक और वाइट पार्टिकल आ जाए. मतलब वो हम जो ए लेयर जो नीचे का है उसको रिपीट कर रहे हैं, ऐसा समझ लो कि पहला लेयर ए है, दूसरा लेयर बी है, और थर्ड लेयर जो है वो अगेन ए है. तो मतलब क्या हो गया आपका, कि ऐसा समझ लो कि ये जो ब्लैक ब्लैक पार्टिकल जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच का जो होल है ऊपर से भी वाइट से कवर हो रहा है और नीचे भी वाइट से कवर हो रहा है, ठीक है? अच्छा, ये कब संभव है, कि जब आपने
लोअर रीजन में कुछ इस तरह के अरेंजमेंट को आइसोलेट कर रखा है, तीन तीन लेयर के अंदर, तीन ये जो वन डायमेंशनल अरेंजमेंट है उसको, उसके ऊपर बी है, और फिर से इसी तरह का एक और हेक्सागोन रिपीट हो रहा है उसके ऊपर। हालांकि सारे पार्टिकल इसके आसपास भी, छह पार्टिकल हैं, ये जो वाइट है इसके आसपास भी छह पार्टिकल होंगे, एक यहाँ पे होगा, सॉरी इसी तरह की अरेंजमेंट होगी एग्जैक्टली, जो बॉटम की है वो वही रिपीट हो रही है। तो ये जब रिपीट होती है तो आपको जो एक जो अरेंजमेंट मिलती है थ्री डायमेंशन के अंदर, अच्छा अभी वो इस तरह की होगी। इसको मैंने, ये वाला जो हिस्सा मैंने आपको दिखाया है वो ऐसा समझ लो कि ये आप इस प्लेन के अंदर हॉरिजॉन्टली विजुलाइज कर रहे हो, है ना? आपके जो विजन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है? अब आप क्या करो कि ये जो परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर है थ्री डायमेंशनल, इसको आप 180 डिग्री से पूरा का पूरा रोटेट कर दो कुछ इस तरह से। तो ये क्या होगा, ये जो टॉप लेयर है वो आपको यहाँ दिखाई देगा और ये जो बॉटम लेयर है वो आपको यहां दिखाई देगा। मतलब ये पार्टिकल की जो अरेंजमेंट, फिर से ए बी ए, ये मैंने मतलब रोटेट करके, खाली विजुलाइजेशन आसान हो जाए इसलिए हमने ऐसा किया। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहां पे अगर आप ये सारे के सारे इसके आसपास फ्रेमवर्क तैयार करते हो तो आपको दिखेगा ये हेक्सागोनल अरेंजमेंट मिलती है आपको, सिमेट्रिक, बिकॉज यहां पे देखो रिपीटेशन आ गया लेयर का, ए बी ए। तो ये जो अरेंजमेंट है यहां पे ए बी ए, अब फिर से रिपीट होगा ए बी ए बी ए, मतलब सेम टाइप ऑफ लेयर आर बीइंग रिपीटेड, एंड देन डेफिनेटली यू हैव वन, यू हैव आइसोलेटेड वन टाइप ऑफ यूनिट सेल, सो दिस इज लाइक अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। ओके, वी हैव नेम्ड इट एज अ हेक्सागोनल यूनिट सेल इटसेल्फ। ओके, वेल देर इज अनदर अरेंजमेंट विच इज ऑल्सो पॉसिबल। सो एक मिनट, तो इसको हमने ऐसा करने के लिए क्या किया था आप मुझे बताइए, इसको ऐसा हमने, इसमें से ये अरेंजमेंट हमको मिल रही है तो इसको ये कैसे मिली है, ये आपने इस तरह से यू गॉट दिस बाय बाय कवरिंग अ टेट्राहेड्रल वॉइड, बाय कवरिंग ए टेट्राहेड्रल वॉइड, है ना? टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने का एक ही तरीका था कि उसको आप ऊपर से भी एक और लेयर ऐसा लगाओ कि उसका एटम जो है डायरेक्टली उसको ऊपर प्लेस हो जाए, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू रिपीट ए अगेन। ओके, सो दिस इज लाइक कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, एंड देन दैट लीड्स टू हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। वेल देर इज अनदर टाइप ऑफ वॉइड इफ यू ट्राई टू कवर दैट नाउ, द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छा, इसमें थोड़ा सा विजुलाइजेशन डेफिनेटली डिफिकल्ट है, दिस वॉज स्टिल फाइन, देर इज नो प्रॉब्लम, मच मच प्रॉब्लम इन दिस, बट हियर द विजुलाइजेशन, बेयर विथ मी। ओके, सो कंसिडर ए लेयर अगेन, फॉरगेट दिस फ्रेम, द फ्रेम ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय रेड लाइन फर्स्ट, डोंट वरी अबाउट दैट रेड लाइन फर्स्ट, जस्ट कंसिडर द ए लेयर, ए दिस इज वन लेयर। ओके, दिस ए लेयर वी आर ट्राइंग टू से दैट इट गिव्स यू समथिंग लाइक दिस। ओके, हियर देन ऑन द टॉप ऑफ दिस लेयर यू हैव ब्लैक, एंड द ब्लैक आर कॉजिंग दिस अरेंजमेंट, जस्ट जस्ट नाउ वी टॉक्ट अबाउट द टेप, दिस इज लाइक अ वन ट्राइंगुलर अरेंजमेंट, एंड ऑन द डाउन ऑफ दैट देर इज अनदर ट्राइंगुलर अरेंजमेंट ऑफ दिस वाइट पार्टिकल, वन टू एंड थ्री, द बॉटम बॉटम अरेंजमेंट वन टू एंड थ्री, एंड ऑन द टॉप ऑफ दिस, दिस इज फर्स्ट लेयर ए, देन ऑन द टॉप ऑफ दिस ब्लैक लेयर बी, एंड देन यू हैव टू कवर द वॉइड विच वॉज टेट्राहेड्रल, सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड लेयर, बट दैट के नॉट बी कवर्ड सिंपली बाई रिपीटिंग ए, दैट वॉन्ट बी पॉसिबल, बिकॉज बिकॉज ए अरेंजमेंट में, इसके बीच ए अरेंजमेंट में इसके डायरेक्टली जो वॉइड है उसके नीचे कोई एटम नहीं है। ये चीज आपको देखो, ये जो वॉइड है आप देख सकते हो, ये ए लेयर है, ठीक है? दिस इज ए, दिस इज लेयर बी, डू यू सी दैट देर इज नो एटम ऑफ दिस लेयर ए इन दिस वॉइड, अराउंड दिस वॉइड, सॉरी अराउंड नॉट अराउंड बट डायरेक्टली बिलो दिस, राइट? बेसिकली दिस लेयर, दिस वॉइड इज क्रिएटेड बाई थ्री एटम्स ऑफ ए साइड बाई साइड, एंड ऑल्सो टॉप थ्री एटम्स ऑफ बी साइड बाई साइड। ओके, सो टू फिल दिस, टू फिल दिस फ्रॉम द टॉप बाय अनदर एटम, इट हैज टू बी अ डिफरेंट अरेंजमेंट, इट कैनॉट बी ए, इट कैनॉट बी बी, इट हैज टू बी डिफरेंट,
एंड दैट डिफरेंट इज नथिंग अदर देन द वन दैट यू हैव यूज्ड हियर दिस अरेंजमेंट. सो यू टेक एनी एटम, लेट्स ए सी, नाउ यू कॉल इट ए सी. दैट सी अरेंजमेंट इज लाइक दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑन द टॉप ऑफ दिस. ओके, सो देर इज एन अरेंजमेंट ऑफ ए, देर इज एन अरेंजमेंट ऑफ बी विच लीड्स टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड. नाउ यू वॉन्ट टू इसको आप इसमें लगाना है, मतलब एटम रखना है इसके ऊपर. वो एटम रखना है मतलब कि वो ना तो ए टाइप की अरेंजमेंट होनी चाहिए ना बी टाइप की अरेंजमेंट होनी चाहिए. वो पूरा जो लेयर है जो आप रखने वाले हो उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट है, तभी ना एक अलग टाइप की अरेंजमेंट से ही आपको इसके ऊपर एटम डायरेक्टली मिलेगा. ठीक है, तो वो जो थर्ड लेयर है इसको हम कह देते हैं सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट. एंड दैट सी इज नथिंग अदर देन दिस एक्चुअली विच इज शोन हियर एज ए लेयर, बट एक्चुअली स्पीकिंग दैट सी इज दिस काइंड ऑफ हेक्सागोनल अरेंजमेंट. ओके ठीक है, अभी भी ये रेड जो फ्रेम है इसको आप विजुलाइज मत कीजिए. ट ऑफ पार्टिकल विच सीम्स टू बी ए बी सी, दिस वॉज फॉर्म बाय ओनली ए बी, ओनली ए एंड बी, टू टाइप ऑफ डिफरेंट लेयर एंड देन रिपीटिंग ए. एंड हियर द थर्ड विल बी अगेन, इट विल बी रिपीटेड. सो इफ यू गो इन दिस डायरेक्शन यू विल हैव ए, बट आई डोंट वॉन्ट टू पुट हियर ए. आई वॉन्ट टू एम्फेसाइज ऑन अनदर पार्टिकल, अनदर लेयर विच आई वॉन्ट टू विजुलाइज बिलो दिस लेयर, because that way I can isolate this unit cell only. This is a really difficult to visualize this unit cell, because in three dimension if you try to visualize this, it extends to below even this layer. Okay, what I am trying to say is this: if you repeat C below, first of all let me repeat again, there is a triangle formed by layer A, okay, white on the first layer, there is a triangle of atom on the top of that, and the triangle of A and triangle of B leads to a void in between, that is octahedral void. Theek hai na, we call it as octahedral void. That octahedral void on the top is filled by placing this atom, let's say C. So if you have to fill that void even below A, because that is still available to be filled, and then if you try to fill, this arrangement has to repeat, it has to be C. Okay, so below this, in this direction, below this layer A, you have to again consider a C type of arrangement. So I am saying that C type of arrangement. Or if you go in this direction, you will have A type of arrangement. Okay, so you can see that here, let me remove this because I don't want to create a complications. This is what you are seeing here in this page. A, B, C. This is what you are seeing here, okay, by considering the same diagram which we have used for this. But below this, if you consider one more C, and that will fill the octahedral void in between A and B. So this void will be filled by C and C, below and top. So basically, only if you consider three different type of arrangement of layers, or let's say the particle, then only you get a complete enclosed structure. That means another kind of unit cell. Enclosed structure होने की बात हमने कही थी जब भी हमने unit cell की बात की. तो यहाँ पे एक enclosed structure कब मिल रहा था, जब आपने A और B के जो बीच में जो बनने वाला tetrahedral void है उसको ऊपर से ढक दिया, तो एक enclosed structure मिल गया. मतलब enclosed structure यानी कि repeat होने वाले layer फिर से आने लगे A, B, A. तो ये एक enclosed structure मिल गया जिसका arrangement hexagonal closed packing है. अच्छा, इसके अंदर जो है हमने बता रहे हैं आपको कि ए बी और ये जो थर्ड लेयर है ऊपर ए और बी से बनने वाले ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, ये वाले वॉइड को फिलअप करने के लिए अगर आपने ऊपर एक लेयर लगाया है तो उसके नीचे भी एक और लेयर लगाना पड़ेगा, और वो दोनों ऊपर और नीचे वाले जो लेयर हैं वो समान होने चाहिए, मतलब सी टाइप का लेयर. तो ये वाली जो अरेंजमेंट है ए और बी के बीच का ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो आप सी से फिलअप कर रहे हैं. अब आपका यूनिट सेल देखिए, जब आपको पूरा एनक्लोज स्ट्रक्चर, दिस होल थिंग इज लाइक वन एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर, दिस विल लीड टू एनक्लोज्ड यूनिट सेल. ओके, और एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है ना, एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर of particle or enclosed arrangement of particle. So that will lead to another unit cell. And try to visualize this. देखो, अगर आप इसको एक, अच्छा मैं इसी को थोड़ा सा, इसका जो थर्ड हिस्सा है उसको सामने लाने के लिए हम क्या करते हैं,
इसको ये जो फेस है, ये वाला जो फेस है, दिस फेस विच इज एक्चुअली थ्री डायमेंशनल फेस, आई एम पुटिंग दिस फेस इन द प्लेन ऑफ दिस पेज नाउ. ओके, रोटेट दिस अ बिट लाइक दिस. इफ यू रोटेट दिस वन आई ट्राई टू ब्रिंग दिस प्लेन इन द प्लेन ऑफ पेपर लाइक दिस. सो देन यू सी हियर सी विच सीम्स टू बी एट दिस कॉर्नर ऑफ द क्यूब. देर इज अ क्यूबिकल अरेंजमेंट दैट इज अराइजिंग. दैट्स वॉट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट. ओके, देर इज दिस स्फियर विच सीम्स टू बी ऑक्यूपाइंग दिस कॉर्नर. ओके, देन दिस ब्लैक सीम्स. ओके, देन वॉट अबाउट द डायगोनल डायगोनल ऑफ द क्यूब. दिस पॉइंट, द डायगोनल ऑफ दिस पॉइंट, दैट मीन्स द कॉर्नर ऑफ दिस क्यूब विच इज डायगोनल टू दिस पॉइंट इज रिजल्टेंट ऑफ, अगेन देर इज अ सी. सो दिस इज ए, दिस इज बी, सो दिस इज ए लेयर. ऑल दीज अरेंजमेंट्स आर ए लेयर. दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए. सो दिस देर इज वन अरेंजमेंट विच आई हैव आइसोलेटेड एज ए इन दिस. ओके, देन देर इज अ बी ऑन द टॉप ऑफ दिस बी. ओके, एंड देन देर इज अ सी. सो डेफिनेटली देर इज अ सी विच इज डायगोनल टू दिस एंड दैट इज बिलो ए. ओके, सो यू हैव ऑल द, इफ यू कंसिडर ऑल दिस अरेंजमेंट ना, ऑल दिस पार्टिकल्स आर सेम. द ब्लैक एंड व्हाइट इज ओनली टू डिस्क्रिमिनेट, ए बी सी आर ओनली टू डिस्क्रिमिनेट द लेयर, दैट्स ऑल. बट इफ यू कंसिडर ऑल द पार्टिकल टू बी सेम, देन दिस इज लाइक अ फेस सेंटर्ड क्यूबिकल स्ट्रक्चर. प्लीज सी, दिस इज वन, दिस इज अनदर, दिस इज अनदर, दिस इज अनदर, दिस आर लाइक कॉर्नर. अच्छा, इसके क्यूब के जो फ्रेम हैं ये इससे अलग दिखाए हैं, बट अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे तो कुछ इस तरह की अरेंजमेंट है यहाँ पे. ये एक फेस है, यानी कि ये फेस सेंटर्ड क्यूबिकल अरेंजमेंट आएगा आपका. और उसी तरह से थ्री डायमेंशन में जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे भी सेंटर में ये सेंटर है. मतलब आप जो है इसके अंदर ये थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट जब देखते हो तो इट गिव्स यू फेस सेंटर्ड क्यूब. दिस इज लाइक फेस सेंटर्ड क्यूब. वो जो क्यूब है उसमें हर एक फेस पे भी एक एक पार्टिकल आएगा. तो ये देखो, एक ये फेस है यहाँ पे दिख रहा है आप में, बी एक बीच में पार्टिकल दिख रहा है, दूसरा फेस आपको ये दिख रहा है और इसके बीच में एक पार्टिकल है, तीसरा फेस भी उसी तरह से देखोगे तो ये वाइट पार्टिकल उस फेस पे, उसी तरह से हर एक फेस पे एक एक पार्टिकल है. तो ये जो पैकिंग है, लेट मी टेल यू दिस, दिस इज कॉल्ड क्यूबिकल, क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग. क्यूब के अंदर अगर कोई क्लोजेस्ट पैकिंग अरेंजमेंट अगर आपको मिलती है तो इससे मिलती है, ठीक है, हेक्सागोनल से अरेंजमेंट आने में. अच्छा, ये जो है आपके सिलेबस में ये बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट्स हैं जो आपको आपको पता होने चाहिए, ठीक है. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा इन पे आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अच्छे से थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करिए. किताब में भी पढ़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रॉब्लम बता दूंगा. देखो, तो ये जो है ये रिजल्ट हुआ, दिस अराइजेस, दिस यूनिट सेल अरेंजमेंट अराइजेस बिकॉज ऑफ कवरिंग ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, ओके, ऑफ ए एंड बी, एंड दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट अराइजेस बिकॉज ऑफ द कवरिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ ए एंड बी. सो दैट रिक्वायर्स वन मोर लेयर बिलो एंड अबव, है ना, सी टाइप का. तो ये जो है इसको हम कहते हैं, अच्छा, इन शॉर्ट दिस समटाइम यू मे बी सीइंग इन द बुक, दीज आर एब्रीविएटेड एच सी पी, मीन्स हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग. समटाइम यू शुड नो क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग इज रेफर टू एज सी सी पी और एफ सी सी बिकॉज बोथ आर सेम. सी सी पी इज नथिंग बट एफ सी सी, फेस सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब. ओके, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग. डू यू एबल टू विजुलाइज एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट दैट देर आर टू टाइप ऑफ यूनिट सेल दैट यू आर एबल टू आइसोलेट फ्रॉम द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टाइप ऑफ अरेंजमेंट. यू ट्राई टू फ्रॉम द सेम लेटेस्ट यू आर एबल टू विजुलाइज दिस अरेंजमेंट एंड फ्रॉम द सेम लेटेस्ट यू आर एबल टू विजुलाइज दिस अरेंजमेंट. सो पार्टिकल्स अरेंजमेंट वाइज द एफिशियंसी ऑफ पैकिंग इज सेम इन बोथ केसेज. 74% ऑफ द स्पेस ऑफ दिस क्रिस्टल अरेंजमेंट is filled completely, which is really efficient packing. We will see in your next topic where we have to find out the packing factor in different lattice. That time you will see that this is really a very high number to depict the packing in this kind of arrangement. Okay. Going further, so one more point that I want to make is there is an idea called coordination number.
कोऑर्डिनेशन नंबर इज सिंपली द इन एनी लेटिस एनी टाइप ऑफ लेटिस दोस 14 लेटिस दैट वी टॉक्ड अबाउट इन द होल ऑफ द लेटिस अरेंजमेंट इफ यू कंसिडर एनी पार्टिकल टू हाउ मेनी अदर पार्टिकल इट इज इन डायरेक्ट टच आई एम यूजिंग द वर्ड दैट नंबर इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट लेटिस एंड दैट इज डिफरेंट इन डिफरेंट लेटिस ओके फॉर एग्जाम्पल इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट वट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ hexagonal closed packing structure I will help you out to understand this just by follow the visualization that I am talking about let's say if you consider you start by considering this central point here of the topmost layer A so you see that directly at least you can say that it is in touch with six more of similar kind of atoms so there are six particles then below it is also in touch with three more atoms okay There are below three more atoms. They will also be touching the same one. And above this also will repeat B. So there will be three more. So six and six. That means total 12. And that will be true with any particle in this arrangement. Let me tell you. If you extend this in three dimension, you can talk about any atom. And you will find that at any point of time, there are 12 particles touching every particle. So the coordination number here is in this kind of arrangement is 12. And same is true even in this arrangement. You do this by yourself. I will not help you, but you can actually do that and you will find out that there are 12 particles touching every particle. So actually speaking, property wise, they are same. Please see, I said coordination number is same. The packing is same. Arrangement is same. It's just that by focusing in a certain arrangement, I isolated this kind of arrangement. And in another perspective, this is like another perspective of visualizing a unit cell from hexagonal closed pack structure. So this then I isolate this one.